हेलो एवरीवन, मैं अंजू जांगिड़ एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर बार की श्रृंखला में एक बार फिर से मौजूद है एक नई फ्रेंचाइजी जिन्होंने प्रॉपर 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है। उनका एक्सपीरियंस भी आपको जानने को मिलेगा कि कैसा लगा उन्हें 2 दिन का ये ट्रेनिंग सेशन। लेकिन उससे पहले आज आप सभी की हमारे कंपनी के जो टीम मेम्बर्स हैं उनसे मुलाकात कराएंगे और जानेंगे उनका खुद का क्या एक्सपीरियंस है और वो हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस पूनम को कि वो यहां आए और हमारे देख रहे व्यूवर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच अंजू मैम, जो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूनम शाह। मैं इस कंपनी से जुड़कर काफ़ी कुछ जो है सीखने को मुझे मिला, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस जो है मुझे जानने को मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा कि मैम ने मुझे बताया कि जो फ्रेंचाइजी आए हुए हैं उनको जो है एक्सपीरियंस शेयर करनी है, बताना है। तो मैं सबसे पहले तो जो मिस्टर समी जी हैं एमपी से यहाँ पर जयपुर राजस्थान आए, इतनी दूर से वो यहाँ पर आए और 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन को उन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि वो है मतलब वो यहाँ से ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद अपने प्लेस पे जाए और बहुत अच्छे से जो है इस पर जो है अपनी पहले प्रैक्टिस करे, उसके बाद ही किसी भी फील्ड में जो है इस वर्क को स्टार्ट करे। मैं उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच समी जी एंड ऑल ऑफ यू टीम 360। थैंक यू सो मच पूनम मैम। चलिए दोस्तों, अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारी फ्रेंचाइजी से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो इनवाइट करते हैं जोरदार तालियों के साथ मिस्टर शम्मी कौरी जी को और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अब तक का जो सफ़र था उनका कैसा रहा, क्योंकि पहले वो यहाँ पे फ्रेंचाइजी के लिए कंपनी में एक बार आ चुके हैं, पूरी तसल्ली करने के बाद में पेमेंट पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ है करने के बाद वापस चले गए थे और अब पूरे परिवार के साथ एनर्जी के साथ यहाँ ट्रेनिंग के लिए दोबारा आए हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनका कैसा रहा सफर और वो अभी 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद में कैसा फील कर रहे हैं, अपने प्लेस पे किस तरह से इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। 360 टीम में ट्रेनिंग के लिए जानकारी लेने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। इधर की जो जिससे आप सब समझाते हैं बताए हैं ट्रेनिंग देते बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस समय किसी काम के कारण ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा। तो इस बार मैं आया रहा तो अपनी सिस्टर को लेके आया हूँ, हाँ, जो शिल्पा नाम की हमारी सिस्टर है उनकी ट्रेनिंग के लिए आया हूँ मैं, हाँ, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चलिए, आपने जैसा कहा कि मैं मेन मकसद आपका है कि शिल्पा जी को आपने ट्रेनिंग दिलाई है, तो उनसे भी मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने 2 दिन में क्या सीखा, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा और अभी टीम 360 के साथ जुड़ के उन्हें कैसा फील हो रहा है। तो चलिए इनवाइट करते हैं मिस शिल्पा जी को। मेरा नाम शिल्पा है, ये फ्रेंचाइजी मेरे भैया ने लिया है, लेकिन मुझे यहाँ ट्रेनिंग पर मैंने ट्रेनिंग जो अटेंड किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी स्टाफ हैं जो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया और मुझे बहुत अच्छे से समझ आया जो भी यहाँ पर समझाया गया है। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। शिल्पा जी की सिस्टर भी यहाँ पे मौजूद है, पूरी फैमिली के साथ ये आए हैं तो सभी का एक्सपीरियंस जानने को आपको मिलेगा। तो अब इनवाइट करते हैं मिस एकता को और उनसे भी जानते हैं कि उनका खुद का कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम एकता है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, समझाया हर चीज़ें, एक एक चीज़ें बताए सब लोगों ने। सो थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू सो मच एकता जी। शम्मी जी के साथ उनकी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद है, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैम, आपका गुड नेम क्या है? जी, रेखा कोरी। ओके रेखा जी, आपने 2 दिन की ट्रेनिंग ली, तो कैसा लगा आपको ये ट्रेनिंग लेके? ये ट्रेनिंग लेके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कंपनी बहुत अच्छी लगी। ओके थैंक यू मैम, आपने अपना जो है बताया कि किस तरह से आपकी ट्रेनिंग रही। इनके साथ में नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं जो कि हम खुद बोलते हैं कि आप अपना एक या दो बच्चे आप साथ लेके आए हो ताकि मिड ब्रेन का जो वर्कशॉप होता है वो प्रैक्टिकल इन लोगों को करवाया जा सके और आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि आपको किस तरह से अपने प्लेस पर जाके इस वर्कशॉप को और बच्चों को करवाना और किस तरह से रिजल्ट निकालना है। तो हमारे बीच में जो है एक छोटे से नवाब जो है आप देख रहे होंगे सज धज के खड़े हैं, तो चलिए इनसे मुलाकात। क्या नाम है आपका? संस्कार कोरी। संस्कार, आपने मिडब्रेन की क्लास करी? हाँ। कैसी लगी आपको? डांस वगैरह एक्सरसाइज किया आपने? हाँ किया। आगे भी इसी तरह से करोगे ये क्लास? अच्छा, मजा आया आपको करके? हाँ।
अच्छा, आप भी करना चाहते हो ये ब्लाइंड फोल्ड आंखों पे पट्टी बांध के? हाँ बिल्कुल कर पाओगे, बस इसी तरह से जो है इस वर्कशॉप को आपको कंटिन्यू करना है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आना ही आना है। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जो है और सदस्यों से आपकी मुलाकात कराते हैं, कंपनी के सभी टीम मेम्बर से। तो अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगी कंपनी के जो है एग्जीक्यूटिव मेम्बर कमिटी मेम्बर से डॉक्टर NK शर्मा जी को इन्वाइट करना चाहूँगी कि वो भी यहाँ आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमारी जो IV फ्रेंचाइजी है उनको बधाई भी दे, साथ में अपना एक छोटा सा मैसेज भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू अंजू मैम, मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए। सबसे पहले तो हमारे जो मध्य प्रदेश से फ्रेंचाइजी आए हुए हैं शमी जी और उनकी बहनें एकता जी और शिल्पा जी, इनको मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने 2 दिन खूब मन लगा के काफ़ी गहन अध्ययन किया है और क्लासें अटेंड करी और कंसेप्ट को अच्छा से समझा, उसकी प्रैक्टिस भी करी है। तो मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि वहाँ जाके इस कंसेप्ट को अपने आसपास के जिलों में फैलाएंगी, जिससे कि वहाँ के जो बच्चों का जो इनबॉर्न टैलेंट है वो पता लग सके और उनका प्रॉपर यूज़ किया जा सके और देश के नौनिहालों का भविष्य अच्छा किया जा सके। साथ ही उनसे कहना चाहूँगा कि जिस जोश जुनून से उन्होंने यहाँ अटेंड किया हमारे वर्कशॉप, उसी जोश जुनून को बनाए रखें और अपने एरिया के अंदर सबको साथ लेके चलें और कोई घर आपका आसपास का छूटना नहीं चाहिए जिस बच्चे का मिड बहन और DMIT नहीं हो, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और चूँकि इनकी दोनों बहनें काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, तो उनसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि उसको काम को खूब तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं कंपनी की MD मैम मिस अंजलि जी से, उन्हें इनवाइट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे देख रहे व्यूवर्स को अपना आज का मैसेज शेयर करें। थैंक यू सो मच अंजू मैम, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारे बीच मौजूद फ्रेंचाइजी शख्स मिस्टर शमीर जी और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, यानी कि पूरी की पूरी टीम यहाँ पे आई है ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 2 दिन का सेशन बहुत ही शानदार आपका रहा, बहुत ही शानदार तरीके से आपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड की। अब 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन तो आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप अपने प्लेस पे जाओगे, जाके वहाँ पे अपनी कमांड हासिल करोगे, सब्जेक्ट पे कमांड बनाओगे, मार्केटिंग करोगे। तो जाते जाते ये मैसेज मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि यहाँ से जाने के बाद में अपना एक विजन जरूर बनाएं, यहीं से ही अपना एक विजन लेके जाएं कि हमें अपने प्लेस पे जाके किस तरह से वहाँ के लोगों को लाभान्वित करना है, कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट की जानकारी देनी है, कितने एक साल में कितने लोगों की DMIT करनी है या एक महीने में कितने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत कराना है, लाभान्वित करना है। क्योंकि अगर विजन आपके हाथ में रहेगा, कमांड आपके पास में रहेगी, तो शायद आपको सफलता मिलनी बहुत मतलब मुश्किल नहीं है। तो यही कहना चाहूँगी, विजन जरूर और एक नए विजन के साथ अपने इस शुभ काम की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। चलिए अब आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन एक तरह से बोल सकते हैं, वैसे तो वो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, आप सभी ने उन्हें देखा भी होगा, डेमो देते हुए उन्हें आपने देखा है, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रेनिंग मार्केटिंग का जो है वर्क वो अभी स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पूर्णबोध आचार्य जी का और चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू अंजू मैम, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और एज अ टीम मेंबर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मैंने विनीत सर के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग का और वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग वगैरह का काफ़ी कुछ सीखा और मैंने अलग अलग ऐप्स के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू मैंने एडिटिंग वगैरह सीखी हैं और अभी मैं उनको अप्लाई भी कर रहा हूं और काफ़ी चीज़ों में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनको अपना रिज़ल्ट अच्छे से दे पाऊं। तो आगे देखेंगे, आगे अच्छा प्रयत्न करेंगे और अच्छा रिज़ल्ट देंगे, टीम 360 के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।
डेफिनेटली आपने जो कहा कि आगे बढ़ेंगे तो टीम 360 के साथ जो शख्स जुड़ जाता है वो ज़रूर ऊंचाइयों को छूता ही छूता है, तो आपकी भी तरक्की ज़रूर होने वाली है हम सभी के साथ में। चलिए अब मुलाकात कराते हैं टेक्निकल मैनेजर मिस्टर रविशंकर जी से और जानते हैं कि वो आज हमारे देख रहे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। थैंक यू अंजू मैम, और सबसे पहले तो सम्मी सर को और उनकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई कि ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर अपने प्लेस पे जाने वाले हैं। सम्मी सर से मिलकर मतलब ये कह सकते हैं कि मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकंदर का सिकंदर कहलाएगा। सम्मी सर से मतलब मैं कह सकता हूँ कि सम्मी सर पहले भी आए थे यहाँ पे, जयपुर आए थे, मुलाकात करके गए थे, आज भी यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट ले चुके हैं, पूरी फैमिली के साथ है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि इनका चेहरा स्माइल ही रहता है, खुश हमेशा खुश कह सकते हैं कि हंसते हुए रहता है। इसी तरह रहे और इसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाए। दूसरी चीज़ जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए भी मेरा मैसेज है कि जिस तरह से सम्मी जी को आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि सम्मी जी यहाँ पे ट्रेनिंग से पहले भी एक बार आके आ मतलब जा चुके हैं, फिर अभी भी ट्रेनिंग पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं, तो आप भी अगर ट्रेनिंग का प्लान बना रहे हैं तो ट्रेनिंग के लिए जल्द से जल्द प्लान करके आ सकते हैं। अब देखो मेरे को कई बार सुनने को मिलता है, रवि जी आपको पता ही होगा दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो इस तरह से बात करते हैं ना, तो मैं एक चीज़ इस बात को कवर करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि पहले महिलाएं आपको पता होगा कि पानी भरने के लिए जाती थी, पानी भरने के लिए कुएं पे जाती थी मटका लेके, फिर उनके साथ में हो सकता है उनका बच्चा भी हो साथ में, है ना, एक हाथ में बच्चा है एक मटका रखा हुआ है, या फिर वो पानी भरने के लिए जाती थी कुएं पे, फिर वो पानी बाल्टी फेंकती थी, फिर कुएं से पानी निकालती थी, फिर घर आते थे पानी रखते थे, सभी लोग परिवार वाले पानी पीते थे, हो सकता था कोई और आसपास वाले लोग हैं वो भी पानी पी लें। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पानी पीना है तो आपको कुएं के पास जाना ही पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि कुआं चलकर आएगा, आपको जाना ही पड़ता है और वहाँ जाकर आपको बाल्टी फेंकनी पड़ेगी, फिर उसको खींचना भी पड़ेगा, लाना भी पड़ेगा, और कई बार हो सकता है कि जाते हुए आते हुए मटका टूट भी जाए, तो ऐसा नहीं कह सकते नहीं मेरा तो एक बार मटका टूट गया तो मैं तो पानी भरने जाऊँगा ही नहीं, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे, जो भी अनुभव रहे, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जैसे प्लान करते हैं ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो पूरी बखूबी ट्रेनिंग की तैयारी के साथ आए और ट्रेनिंग लेकर इस काम को स्टार्ट करें। वो ना कहे कि रवि जी दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रवि सर। बिल्कुल रवि सर की कही बात पे गौर किया जाए, और दूध का जला छाछ तो फूंक फूंक के पीता है, मान ली आपकी बात, लेकिन हर बार वही चीज़ें दोहराई जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। लाइफ में कुछ कदम आपको उठाने भी पड़ते हैं, कुछ रिस्क भी लेने पड़ते हैं। रिस्क जो बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो वो डर के आगे जीत नहीं, टीम 360 है, आप आएँ और यहाँ पर जो है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब मुलाकात करते हैं, इन्वाइट करते हैं मेम्बर मैनेजिंग कमिटी से ही मिस्टर विनीत शर्मा जी से, और जानते हैं कि आज वो हमें क्या नई स्टोरी सुनाने वाले हैं और क्या नया जो है एक मैसेज जो है हम सभी के लिए लेके आए हैं। थैंक यू अंजू मैडम, और मेरे साथ में जो नए फ्रेंचाइजी मेंबर खड़े हैं हमारी टीम में जुड़ चुके हैं सम्मी जी, और साथ में शिल्पा मैडम, एकता मैडम, और उन जो सम्मी सर की वाइफ आई है साथ में, और जो दोनों बच्चे, इन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि इन्होंने एक नया जो है कार्य अभी स्टार्ट किया है, हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, तो ये अपने मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से इस काम को फैलाए, वहाँ पर काम से इस जो कंसेप्ट है इससे बच्चों को वहाँ लाभान्वित करें। लेकिन मैं एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि आप काम को करो, यहाँ से सीख लिया आपने सारी चीज़ें, वहाँ जाके प्रैक्टिस भी करें, सब करें, लेकिन करें कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का करने का बहुत ज़बरदस्त महत्व है, आप रेगुलर काम करें चाहे थोड़ा करें लेकिन करें रेगुलर। अगर रेगुलर नहीं करते हैं तो हमारी आदत से छूट जाता है और हमारा अटैचमेंट भी कम होने लग जाता है उस चीज़ से। तो यहाँ से सीखने के बाद जैसे ही आप अपने प्लेस पे जाते हैं, जाते ही आप काम स्टार्ट करें, अगले दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, ऐसे नियमित काम को करें, तब ज़बरदस्त मज़ा है और आपकी प्रैक्टिस बनेगी। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आपने सुना भी होगा पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी रिवर है जिसका नाम है अमेजोन, जो 4000 माइल्स की है, सबसे बड़ी रिवर है अमेजोन। जानने और समझने सोचने की बात है कि ये जो रिवर है जहाँ से निकलती है वो एक पहाड़ के मुँह से निकलती है। सारी नदियाँ पहाड़ों से निकलती होंगी लेकिन ये जहाँ से निकलती है उस पहाड़ के मुँह से निकलती है, और केवल एक एक बूंद निकलती है, ऐसा नहीं है फ्लो में बहुत तेज़ी से बह रही है लेकिन निकलती एक एक बूंद।
कहा जाता है एक बूंद जब पानी का गिरता है इस नदी का, उसके 8 सेकंड बाद दूसरी बूंद गिरती है, फिर 8 सेकंड बाद दूसरी बूंद गिरती है, फिर 8 सेकंड बाद दूसरी बूंद गिरती है, फिर 8 सेकंड बाद, ऐसे करते करते हजारों सालों से बूंदें गिरती गिरती है विश्व की सबसे बड़ी नदी बन गई अमेजोन। अगर ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंसिस्टेंटली गिरती जा रही है, ऐसा नहीं है कि बूंदें गिरनी बंद हो गई, बंद हो जाती तो ये नदी इतनी विश्व की सबसे बड़ी कैसे बनती। तो अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो ज़बरदस्त आप जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। किसी भी ज़बरदस्त सफल आदमी की जो पीछे खासियत है उनमें से एक खासियत ये भी है कि वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। आप यहाँ से जाने के बाद DMIT को रेगुलर करो, चाहे एक पर्सन की करो, चाहे काउंसलिंग ही करो, फिंगरप्रिंट ही लो, रिपोर्ट ही बना लो, अरे बनाई भी बंदे की दोबारा बना लो, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, जो आप रोज़ करते हैं, आप ब्रश करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, रात को सोने से पहले, आपको ऐसा लगता है कि मैं ब्रश करा, मैंने सुबह और शाम को किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया और बस सब ठीक रहेगा। कंसिस्टेंटली करते हैं, 1 साल तक कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, जिम जाते हैं, बहुत से अक्सर लड़के मैं देखता हूँ करते हैं 20 मिनट एक्सरसाइज की और शीशे में आके देखते हैं कुछ चेंज आया क्या, फिर दूसरे दिन जाते हैं फिर देखते हैं चेंज आया क्या, 3 दिन 4 दिन 5 दिन महीना भर कुछ नहीं होता, साल भर पहले कंसिस्टेंटली करते हैं तब बॉडी ज़बरदस्त बिल्ड होती है, अच्छी फिजिक बनती है उस पर्सन की। तो मैं कहना चाहूँगा आप यहाँ से जाने के बाद में सारे कंसेप्ट की रोज़ाना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, अदरवाइज वो जो घड़ा टूटने वाली बात रवि सर बता रहे हैं वैसी स्थिति हो अपनी ना हो, उसके लिए आप कंसिस्टेंटली रोज़ाना वर्क करें। कोई समस्या आती है तो आप रोज़ाना जो है चाहो तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो। मैं लास्ट में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं इस काम को करने वाले, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम किसी का स्पेशली नहीं लेता, लेकिन आप YouTube पर देख सकते हो। कमाल की बात है कि जब से कोरोना आया तब से 10 महीने हो गए हैं, 10-11 महीने हो गए हैं, उनके चैनल पर वीडियो डलने ही बंद हो गए, पहले भी नहीं डला करते थे, अभी भी डलने बंद हो गए, कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई। लेकिन आप हमारे को देखेंगे अगर YouTube पे भी तो कल का भी वीडियो लेटेस्ट 24 घंटे का पहले का डला हुआ है, 12 घंटे का भी डला हुआ है। यही हमारी सफलता की निशानी है कि हम कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं। हर सैटरडे संडे यहाँ पर फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग होनी निश्चित है, तो यहाँ होती है। अब जैसे आप लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप जाएंगे शाम 5 बजे, दूसरे हरियाणा से और हरियाणा से ही 3-4 लोग हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर से ट्रेनिंग चालू। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली चलती है, उस गतिशीलता को देखते हुए लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप भी इतने गतिशील रहेंगे तो आपको अपने आप लोग अप्रोच करेंगे। आप सभी लोगों को जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, शायद आप सब लोगों ने समझा होगा, मेरा मैसेज आप तक कन्वे हुआ होगा, आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मैसेज के साथ। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं मार्केटिंग मैनेजर मिस दीक्षा जी से, और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी यहाँ पे आए और अपना जो है एक्सपीरियंस सभी के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच अंजू मैम कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अप्रॉक्स लास्ट 1 मंथ से इस कंपनी के साथ जुड़ी हूँ और मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं, शायद मैं पहले नहीं बोल पाती थी। मुझे यहाँ पर आकर नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, मुझे उन लोगों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करना है मुझे उस चीज़ का भी मौका मिला। मुझे यहाँ पर अंजलि मैम, अंजू मैम, विपुल सर, विनीत सर, हमारे जो पैटर्न सर हैं उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत मोटिवेट किया उन्होंने मुझे और इस कदर किया कि मैं खुद में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ और खुद भी डेवलपमेंट देख रही हूँ और आगे भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगी। और मैं इस कंपनी से एसोसिएट होने का मेरा एक कारण ये भी था कि एजुकेशन फील्ड से जुड़ी है हुई है ये कंपनी और एजुकेशनल में ही जाना था मुझे। यहाँ पे आके मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, प्लस मुझे ये भी मिला कि मैं खुद को यहाँ पे इम्प्रूव करके एक अच्छा लेवल जो है वो भी ला सकती हूँ खुद में। और मैं जो हमारी फ्रेंचाइजी MP से यहाँ पे पधारी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आपने फ्रेंचाइजी ली। इनका 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा रहा। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि विश यू ऑल द लक, आप अपने प्लेस पे जाके बहुत अच्छे से वर्क करें। इफ़ एनी केस आपको कुछ वैसे तो दिक्कत आएगी नहीं, अगर आती है तो टीम 360 आपके साथ हमेशा खड़ी है, हमेशा आपकी हेल्प के लिए है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीक्षा जी। और अभी एक बार और फिर से अपने जो है टीम मेंबर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी, तो अब इनवाइट करते हैं मिस सिमरन को कि वो भी यहाँ पे आए और हमारे देख रहे व्यूवर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे आए, लोगों की हेल्प करते हैं और किस तरह से ट्रेनिंग सेशन देने में जो है उनको गाइड जो है करते हैं। तो आइए सिमरन जी, और यहाँ पे जो है हमारे देख रहे व्यूवर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आए हुए फ्रेंचाइजी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपना 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छे से अटेंड किया। अब वो अपने प्लेस पर वापस जाने वाले हैं और सब जाने के बाद में सबसे पहले प्लीज़ इस प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इस प्रोजेक्ट में जो है परफेक्ट होंगे। इसी के अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करते वक्त अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप टीम 360 आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। टीम 360 आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिमरन जी, आपने जो है बिल्कुल सही कहा कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। कंटिन्यू जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें परफेक्शनिस्ट आप ज़रूर बन सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से ही मिस्टर विपुल शर्मा जी का, और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमारे यहाँ देख रहे व्यूवर्स और हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को अपना मैसेज शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम, आपने मुझे मौका दिया लोगों के साथ रूबरू होने का, मुखातिब होने का। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दोनों ही जो एमपी से हमारी फ्रेंचाइजी पधारी है, आप सभी को, कि आप लोगों ने जो है ये बीड़ा उठाया है कि इस एजुकेशनल प्रोजेक्ट को जो हमारे पैटर्न सर बताते हैं या ये जो टीम 360 का जो मिशन है, जो हमारा मिशन है, उसको सक्सेसफुली आगे जो है पूरे वर्ल्ड में फैलाने का जो आपने बीड़ा उठाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए ताकि आप भी जो है आर्थिक लाभ कमा सके और जीवन के जो है हर क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त कर सके। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और मुझे भी कहा गया है कि जो है 2 शब्द आप जो है शेयर करें, एक्सपीरियंस अपना अनुभव शेयर करें। तो चूंकि यह बात सब प्रैक्टिस की ही हो रही है तो मैं भी उसी के ऊपर जो है अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करना चाहूँगा। देखिए 2 तो मैं आपके साथ श्लोक शेयर करना चाहूँगा, 1 जो है दोहा भी शेयर करेंगे, 3-4 जो है श्लोक या जो है इस तरह के कथन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें सारी बात आ जाएगी। और जो ये सक्सेस हम लोगों को मिला है, हमें कोई बहुत एक्सट्रीम इंटेलिजेंट आदमी की आवश्यकता नहीं है भाई। एवरेज गोइंग जो व्यक्ति है ना, एवरेज आदमी चाहिए, जिसका एक IQ जो एक एवरेज इंसान का IQ होता है ना, मैं बस वही चाहिए, बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है। मैं आपके सामने उदाहरण जो है पेश करता हूँ। सबसे पहले जो श्लोक या जो दोहा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसी के इर्द गिर्द जो है ना आपकी सक्सेस है, आप उसको सही तरीके से समझ के उतार लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, सक्सेस आपको 100% मिलेगी। इसलिए जब भी जो भी शख्स यहाँ से टीम 360 से फ्रेंचाइज लेके जाएँ, जो देख रहे हैं और जो यहाँ आए हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट, इन पे जरूर गौर फरमाएं और इनको जरूर जमी जो है अपने अपने जीवन में इनको उतारें। सबसे पहले हम 6ठी-7वीं कक्षा में एक श्लोक पढ़ते थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्यमेनेव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुंह में शिकार नहीं आता है, उठ के खुद को जाना पड़ता है। बहुत ताकत होती है शेर में, जंगल का राजा है, बावजूद उसके भैया दौड़ना तो पड़ता है। मेहनत नहीं करोगे तो मुंह में कुछ नहीं आएगा, ना टीम 360 खिला सकती है और ना खुद आप कुछ करके इनकम जनरेट कर सकते किसी भी प्रोफेशन में। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो आपको इसको करना पड़ेगा, केवल बैठे रहने से नहीं आएगा कि टीम 360 की अब मैंने फ्रेंचाइजी ले ली और लोग चल पड़ेंगे, भैया आ गए हम लोग, भैया खुद जाना पड़ेगा, समय गया, टाइम हैज गॉन। जो लाला जी की दुकान थी और लोग बैठ जाते थे और जो है दुकान खोली और लोग आएंगे, वो समय जा चुका, अब हर चीज के लिए आपको जाना पड़ता है। अब इस समय जो है ना वो राजा जो है आज की डेट में कस्टमर है, आपको उनके पास जाना है, उनको जरूरत नहीं है आपके पास आने की। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, और ये रियल है, सत्य है, उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, आपके लिए भले की चीज है। दूसरा एक दोहा है, महान कवि हुए वृंद, वो उन्होंने बोला है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल्पर परत निशान। मतलब मेहनत कंटिन्यूस करते रहोगे, एवरेज गोइंग इंसान भी इंटेलिजेंट हो जाता है, और इंटेलिजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है, करते रहो करते रहो करते रहो, तो वो रस्सी आती जाती है ना, कुएं से पानी निकालते हैं तो वो पत्थर पे भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, वो कंटिन्यूस करते करते, जैसा विनीत सर कह रहे थे, वो ड्रॉप जो है ना पानी की आते आते वो इतनी बड़ी नदी बन गई, तो वो भैया कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से आती है। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे। यहाँ पे ये सारे लोग बोल रहे हैं प्रैक्टिस से, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस से। अगर कोई ये समझता है कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स पहले दिन से अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं भैया। जो भी आपको नज़र आ रहे हैं जिनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, चाहे वो हिंदी में है, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में है, सब ने प्रैक्टिस की है, और इस प्रोफेशन की नीड प्रैक्टिस है, इस प्रोफेशन की नीड स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होना एंड ऑल, तो भैया वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा,
क्योंकि मैं कह रहा था कथन, देखिए मैंने एक मूवी में देखा तो वो बहुत सही बात है कि हर सुबह जो है शेर उठता है ये सोच के और दौड़ता है ये सोच के कि अगर आज नहीं मैं भागा और नहीं मैंने शिकार किया तो भूखा मर जाऊंगा, शिकार तो मेरी नीड है भैया, भागना तो मेरे को पड़ेगा। और उसी सुबह हिरन भी उठता है ये सोच के कि भैया आज तो मेरे को भागना ही पड़ेगा, क्यों कि मुझे भूख भी शांत करनी है और ख़ुद को शिकार से बचाना भी है कि कहीं कोई शेर या कोई और अटैक नहीं कर दे। दोनों ही केस में एक चीज़ कन्फर्म है, दौड़ना, बेटा शेर हो चाहे हिरन हो दौड़ना तो पड़ेगा, अगर आप नहीं दौड़ सकते तो आपको कहीं से कोई इनकम जनरेट नहीं हो सकती। लास्ट में जो मैं इन सब के साथ में मैंने आपको कहा था जीवन में उतारना जरूरी है, एक गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई साहब आपको सब कुछ करने के बाद में एक कार्य और है, व्हेन यू डू योर बेस्ट गॉड डज द रेस्ट। आप अपना कर दो, उसके बाद जो कर्म है आपने कर दिया, अब जो है ना ऊपर वाले पे छोड़ दो। व्हेन यू डू योर बेस्ट, आप जब आप अपना कर देते हो ना फिर बाद में यूनिवर्स कमाल करता है और ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। हम लोग करके आते हैं स्कूल, उसके बाद में उसकी चिंता नहीं करते आएगा कि नहीं आएगा, वी हैव डन आर वर्क, हमने कर दिया, अभी बाकी काम यूनिवर्स करता है। तो जब आपने यहाँ से फ्रेंचाइजी ले ली देन डू योर बेस्ट और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ें, वो रिजल्ट आके देता है। यही चार श्लोक है, यही दोहे, यही कथन है, यही मेरा मैसेज है, इसको अपने जीवन में उतारे, सक्सेस विल बी योर्स। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हमारे देख रहे व्यूवर्स को बताया और फ्रेंचाइजी को भी बताया, तो ज़रूर इसे जो है अपनी लाइफ में उतारें और इस चीज़ से जो है अपनी लाइफ में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं। चलिए अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं कंपनी के पैटर्न मिस्टर डीडी शर्मा जी को, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे देख रहे फ्रेंचाइजीज और आई हुई फ्रेंचाइजीज और सभी व्यूवर्स को वो अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं डीडी शर्मा, पैटर्न टीम 360, आपसे सिर्फ दो बातें आज शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, इतनी दूर से समी सर परिवार सहित पधारे हैं, हम उन सब का तालियां बजाकर दो मिनट स्वागत करेंगे। दूसरी बात मैं दो हिस्सों में कहूँगा, पहला हिस्सा तो ये है कि एक व्यक्ति यहाँ टीम 360 में फ्रेंचाइजी लेने आता है तो वो पहले कई जगह बातचीत करके आता है, देख करके आता है, ऐसा नहीं है कि अचानक उसने वीडियो देखा और देख करके टीम 360 में फ्रेंचाइजी लेने आ गया, ऐसा बहुत कम होता है। सब जगह से छानबीन करने के बाद में वो यहाँ आता है, इसलिए उसकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है कि टीम 360 में वो सब मेरे को मिले जो उम्मीदें लेकर के मैं आया हूँ, यानी वो गुणवत्ता चाहता है, यानी वो एक आश्वासन चाहता है कि मैं जब अपने घर जाऊँ इस काम को करूँ तो मुस्तैदी से मुझे सहयोग भी मिले और मैं कर भी पाऊँ और मैं यहाँ क्वालिटेटिवली ट्रेनिंग को लूँ और इतनी अच्छी तरीके से लूँ कि जब मैं जाऊँ तो प्रसन्नचित होकर के उत्साह के साथ जो है वो जाऊँ। क्योंकि अगर अपन ने अपने कार्य को एक्सीलेंटली नहीं सीखा, अगर अपन ने अपने कार्य जिनको सिखाते हैं एक्सीलेंटली नहीं सिखाया तो वो लोग सामान्य होंगे और सामान्य व्यक्ति को एक बहुत बड़ा दुश्मन सामने खड़ा नज़र आएगा, वो एक कंपटीशन का, वो जहाँ भी जाएगा उसका कोई ना कोई कंप्यूटर मिल जाएगा और कंपटीटर मिलेगा उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और वो निराश हो जाएगा। और यदि उस व्यक्ति ने मुस्तैदी से ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग देने वालों ने भी उसको ट्रेनिंग बड़ी क्वालिटेटिवली रिगरस ट्रेनिंग दी है और उसे बिल्कुल मुस्तैद बना दिया, शेर बना करके यहाँ से विदा कर रहे हैं, तो वो फील्ड में जाएगा और टीम 360 का उसे सपोर्ट रहेगा तो उसके जीवन में क्या आसपास भी इर्द गिर्द भी कहीं कोई कंप्यूटर नहीं टिकेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कोई एक्सीलेंट डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर है, अरे डॉक्टर मिलते ही नहीं, बढ़िया इक्का दुक्का होता है, उसके यहाँ इतनी भीड़ होती है कि नंबर नहीं आता, एक अच्छा बढ़ई नहीं मिलता, एक बढ़िया टीचर नहीं मिलता, एक एक्सपर्ट जो है इंजीनियर नहीं मिलता। जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग एक्सीलेंट हैं, उनके पास में कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है। इसलिए समी सर आप पूरे परिवार के साथ आए हों, बड़ी हमें खुशी है, आप इसमें थोड़ी एक्सपर्टाइज हासिल कीजिए और एक एक्सपर्ट टीम आपके सहयोग हेतु सदैव तत्पर रहेगी और एक्सपर्ट लोगों के सामने कहीं कोई कंपटीशन नहीं होगा, बिल्कुल मैदान साफ होगा, बिल्कुल आप जो है मोनोपोली के साथ इस काम को कर पाएंगे
और इसका इतना पोटेंशियल है कि हर घर में आपका कस्टमर है। पूरे देश में जो है 110 करोड़ लोग जो हैं वो सारे के सारे आपके कस्टमर हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में आपका हर बच्चा जो 15 साल से कम उम्र का है आपका जो है कस्टमर है। और इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन को तो आप पुण्य समझ करके सिखा दीजिए, क्योंकि जापान में एक सर्वे हो चुका है 16,000 लोगों का, जिन्होंने शुरू में बचपन के अंदर मिड ब्रेन एक्टिवेशन जिनका किया गया और बाद में 25 साल बाद सारे के सारे मल्टी मिलियनर बने। इसलिए अपना ये नैतिक दायित्व तो है, अपना ये एक आध्यात्मिक कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है कि अपन हिंदुस्तान के हर बच्चे को जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवा दें, ताकि वो 25 साल बाद में मल्टी मिलियनर बन जाए और अपना देश जो है अमीरों का बासिंदा हो जाए और अपने देश में अमीरी जो है वापस पनप जाए, जैसे कभी गुप्त काल में मौर्य काल में हुआ करती थी। अपने देश का हर व्यक्ति धनी बने और अपन जो है इसी आंदोलन के साथ में कि अपना देश धनी बने। अब मैं मेरी दूसरी बात का दूसरा खंड कहना चाहूंगा। मैं यहां हर जो फ्रेंचाइजी आती है उसे कहता हूं कि आपने आज तक जो मेहनत की है उस मेहनत से जो मिला है वो तो मिलता ही रहेगा, अगर उससे अधिक चाहते हो तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। आपने DMIT की स्किल को सीखा है, मिड ब्रेन की स्किल को सीखा है, आपने एडवांस कोर्सेज की स्किल को सीखा है, भी यहां पर कई बातें सीखी है। उन सब बातों में एक बात झलकनी चाहिए, वो ये कि आप एक्सपर्ट बन रहे हैं, एक्सीलेंट बन रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने जो सीख लिया उसमें 10-5% आपकी आमदनी में वृद्धि हो जाए तो ये सीखना पर्याप्त है। आपकी आमदनी में 10-15% निश्चित रूप से वृद्धि हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाए, चौगुनी हो जाए, 10 गुनी हो जाए, 100 गुनी हो जाए, जो कि आपकी आशाएँ होनी ही चाहिए। जब Team 360 के पास आए हैं तो आपकी आमदनी चौगुनी 10 गुनी बढ़नी ही चाहिए। तो उसके लिए आपको अपना पैराडाइम बदलना होगा और इसके लिए मैं आपको 2 छोटे-छोटे मंत्र बताऊंगा और बुलवाऊंगा, उसकी दीक्षा भी दूंगा, ताकि आप जो है इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जो है ये DMIT मिड ब्रेन का जागरण हो जाएगा और आप एक सजीव और प्राणवान व्यक्ति की तरह काम कर पाएंगे। तो मंत्र बहुत छोटा सा है, आपको एक बैज दिया होगा, उस बैज में लिखा हुआ है, बुकलेटें दी हुई है उसमें भी लिखा हुआ है, हमने इसको कई जगह प्रिंट करा रखा है। अगर नहीं मिला है तो बैज ले लेवें और वो बुकलेट ले लेवें जिसमें मंत्र लिखा हुआ है। पहला मंत्र है साइकोलॉजिकल, कि आप आज तक अपने आप को मध्यम वर्गीय समझ रहे हैं उसको तोड़िए, उस और आगे बढ़ जाइए और आज से आप अपने आप को अमीर समझेंगे। और ये मंत्र जो है इसको आप 108 बार बोलेंगे कि आई एम मल्टी मिलियनर, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी, इसको मेरे साथ 3 बार बोलिए, सब एक साथ बोलेंगे आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर। ये साइकोलॉजिकल मंत्र है, नहाने धोने के बाद में सुबह इसको आप जो है 108 बार बोलेंगे और बोलने में गिनती करनी तो कागज़ भी लिख लें 1-2-3 बार या माला वगैरह हो तो उससे बोल सकते हैं। दूसरा मंत्र जो है वो आध्यात्मिक है, क्योंकि कई वर्षों से अपन गुलाम रहे जिस कारण से अपने DNA में से समृद्धि के जीन्स निकल गए, यानी अपना DNA खाली हो गया, इसलिए उसमें वापस डालने की ज़रूरत है। इसलिए एक मंत्र मैं आपको बुलवाऊंगा, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नम, एक बार मेरे साथ बोले ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नम। अब थोड़ा सा रिदमिक बोलिए, साथ साथ बोलेंगे ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नम, 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 ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नम। अब मल्टी मिलियनर वाले को फिर एक साथ रिदम से मेरे साथ बोले आई एम मल्टी मिलियनर, 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 आई एम मल्टी मिलियनर। ये दोनों मंत्र आप प्रातःकाल नहा धो करके और 5 मिनट लगेगी 108 दोनों को बोलना है, रात को सोते टाइम बोलते हुए सो तो और अच्छा है। और
21 दिन बाद में आपको परिणाम इसके दिखने लग जाएंगे और आपको एक सबकॉन्शियस में से, जिसे सिक्स सेंस बोलते हैं, वो आपको जो है देवदूत आपकी मदद करने आ जाएंगे और आपको स्वतः जो है कस्टमर्स चला चला करके आपके पास आने लग जाएंगे। देखो तीन प्रकार की कृपाएं होती है। एक तो निज कृपा, जो आपने स्किल सीख लिया DMIT का, ये निज कृपा है आपकी। दूसरी गुरु कृपा, यानी TM360 आपको मदद करती रहेगी। और तीसरी कृपा कहलाती ईश्वर की कृपा, इस कृपा रूहानी कृपा, वो भी मिल जाएगी। जब तीनों मिलेगी तो आप मालामाल हो जाएंगे। अपने देश के राष्ट्रपति कलाम साहब जो है वो कहा करते थे, जब मैंने मेरी मेहनत से किया तो अखबार बेचता था और दाल रोटी मेरी निकलती थी, और जब मैंने दूसरे गुरुओं की मदद की तो मैं बड़ा साइंटिस्ट बन गया, मिसाइल मैन बन गया, और जब मैंने परमात्मा की मदद को लेना स्वीकार किया और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास किया तो मुझे राष्ट्रपति का पद जो है विभूषित हुआ और सुशोभित करने का मौका मिला। तो मेरा आपसे ये शुक्रगुजार है कि मेरे दोनों बताए हुए मंत्रों को आप अवश्य करेंगे। 21 दिन तो करेंगे ही, लेकिन 365 दिन करेंगे तो और आराम रहेगा। और आप जो है स्किल का भी लाभ उठाइए, विल का भी लाभ उठाइए, दिल का भी उठाइए, और इन मंत्रों का भी लाभ उठाइए, और अपनी आमदनी को, जैसा कि अंजलि जी ने कहा, विजन डॉक्यूमेंट बना लें कि 3 साल बाद में मेरे को कम से कम इतनी हर महीने करनी है। हम कहते हैं 3 लाख रुपए तो हर महीने करोगे ही, आप चाहो तो 30 लाख कर सकते हो, 3 करोड़ कर सकते हो। तो विजन डॉक्यूमेंट अगर आपको मिल गया है तो ले, ठीक है, नहीं मिला है तो आप अंजलि मैम से ले लें और उसके अनुसार अपनी कार्रवाई को करें, और मुझे 6 महीने बाद 8 महीने बाद बतलाएं कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। और आपको एक 12 प्रकार की अमीरी का भी कागज दिया जाएगा, तो आपके पास में 12 प्रकार की अमीरी आनी आरंभ हो जाएगी और आप 12 प्रकार की अमीरी से समृद्ध हो जाएंगे। और इस छोटे से बीज को, बीज सब सदैव छोटे हैं, बीज में से वट वृक्ष निकलता है, तो आपने जो DMIT का छोटा सा बीज लिया है इसी से समृद्धि का वट वृक्ष निकलेगा, जिसको आप एंजॉय करें। मेरा आपको आशीर्वाद है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच DD सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, और आप सभी से भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस मैसेज के जरिए बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। इसी तरह से और भी वीडियोस आपके साथ सब जो है शेयर किए जाएंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको नई अपडेट्स मिलती रहेगी। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करेंगे एक नई फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच।